साल 2020 की शुरुआत से हर कोई परेशान है। साल की शुरुआत में हमें कोरोना वायरस महामारी से लड़ना पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा ये साल बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बुरा साबित हुआ। साल की शुरुआत से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर कई दिग्गज कलाकारों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिस वजह से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को सदमा लगा हुआ है। एक के बाद एक बॉलीवुड के कई सितारे आकाश में गुम होते जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन तमाम कलाकारों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने साल 2020 में दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर आप भी उन सितारों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए जानते हैं कौन है वो दिग्गज कलाकार। नंबर 10, सचिन कुमार। अक्षय कुमार के कजिन ब्रदर थे सचिन कुमार, जो पेशे से फोटोग्राफर थे और अपनी फील्ड में काफी आगे थे, पर 15 मई को अचानक हार्ट अटैक के चलते 22 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। नंबर 9, मोहित भगेल। सलमान खान की फिल्म रेडी में छोटे चौधरी का रोल करने वाले एक्टर और कॉमेडियन मोहित भगेल का 26 साल की उम्र में 23 मई को कैंसर के चलते निधन हो गया और ये काफी समय से कैंसर से पीड़ित थे और ठीक भी हो चुके थे, लेकिन अचानक तबीयत खराब हुई जिससे इनका निधन हो गया। इनके निधन पर सभी बॉलीवुड सितारों ने शोक जाहिर किया था। नंबर 8, योगेश गौर। जिंदगी कैसी है पहेली जैसा यादगार गाना लिखने वाले मशहूर बॉलीवुड लिरिसिस्ट योगेश गौर की 77 साल की उम्र में 29 मई 2020 को नेचुरल डेथ हो गई। नंबर 7, अमूस। आमिर खान के पुराने सेक्रेटरी थे अमूस, जिनकी 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। इनके निधन से आमिर खान को काफी दुख हुआ, उन्होंने इनके लिए एक इमोशनल ट्वीट भी किया। नंबर 6, मनमीत ग्रेवाल। आदत से मजबूत टीवी शो में काम करने वाले 32 साल के टीवी एक्टर मनमीत ग्रेवाल ने आर्थिक तंगी के चलते सुसाइड कर लिया। इस वक्त वो पंजाब में थे। नंबर 5, साईं गुंडेवार। पीके एक्टर साईं गुंडेवार भी पिछले काफी वक्त से कैंसर से पीड़ित थे और 13 मई को इसी से लड़ते हुए 42 साल की उम्र में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिन्होंने बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। नंबर 4, इरफान खान। द लेजेंडरी एक्टर इरफान खान भी रेयर टाइप कैंसर से पीड़ित थे और इलाज करवा कर ठीक भी हो गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने इंग्लिश मीडियम फिल्म भी बनाई, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्हें अचानक परेशानी हुई और 29 अप्रैल 2020 को 53 साल की उम्र में इस दुनिया को ये अलविदा कह गए। नंबर 3, सुशांत सिंह राजपूत। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मल्टी टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने एक्टिंग करियर में काई पोचे और छिछोरे जैसे कई सोशल मैसेजेस बेस्ड मूवी से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन जब इन्होंने 14 जून 2020 को पंखे पर लटक कर अपनी जान दी तब पूरा देश सदमे में आ गया, जिस पर विश्वास करना लोगों के लिए आज भी बहुत मुश्किल है। जहां कुछ लोगों का कहना है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स लेने की आदत थी, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो रहे नेपोटिज्म की वजह से डिप्रेशन में आकर सुशांत सिंह राजपूत ने मौत को गले लगाया। नंबर 2, ऋषि कपूर। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 29 मई को इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो पिछले एक साल से लुकमेनिया कैंसर से ग्रसित थे और इसी के चलते 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 1 पर है वाजिद खान। साजिद वाजिद की जोड़ी से मशहूर गायक वाजिद खान का किडनी इन्फेक्शन के चलते 1 जून को निधन हो गया। इन्हें किडनी इन्फेक्शन के साथ साथ गले के इन्फेक्शन और कोरोना पॉजिटिव भी थे। इन्हीं सब बीमारियों से लड़ते हुए वाजिद खान सिर्फ 42 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। तो दोस्तों, आपको इनमें से किसके निधन के बारे में पता नहीं था? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।